बैठ जाइए बैठ जाइए, लाइए शीट लाइए। अनिल शीट दीजिए, कमेंट डाल देते हैं ना लेट होता है तो मुझे। चलिए, कहाँ तक क्वेश्चन करवा दिया? बहुत पीछे हैं अभी हम लोग, बहुत पढ़ना है अभी। चलिए शीट बटवाइए, कल नहीं बटा था क्या? बटा था कल तो, शीट बटी थी ज्योमेट्री वाली, फिर बटवाइए, मंगाइए। क्या 115 करना पड़ेगा कि हो गया है? नहीं हुआ तो देखिए, पीछे के एक क्वेश्चन के जैसा ही है ये। देखिए 115, एक वृत्त बना लीजिए, बोला गया है ओ इसका केंद्र है, बात नहीं, ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर काटती हैं, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। अब देखिए ए ओ डी 20 डिग्री दिया हुआ है, तो डी यहां लेना पड़ेगा और सी यहां लेना पड़ेगा, तब इस तरीके से फिगर आपका कितने डिग्री का दिखेगा? 20 डिग्री का, बदलना पड़ेगा ये, तब ये 20 डिग्री दिखेगा। उसके बाद है बी ओ सी 30 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, तो ये पी पे काटे थे तो बी पी सी आपसे पूछा गया है, ये बड़े आराम से ये एंगल निकल आएगा। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। आप देख रहे हैं कि सेंटर पे बीसी द्वारा बना है 30 डिग्री का एंगल, तो इसी बीसी द्वारा शेष भाग पर बनेगा 15 डिग्री का एंगल। अब देखिए सेंटर पे एडी द्वारा बना है 20 डिग्री का एंगल, तो इसी एडी द्वारा शेष भाग पर बनेगा 10 डिग्री का एंगल। तो ये त्रिभुज का बाह्य कोण नहीं हुआ क्या? पी बी डी 15, 10, तो ये नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, आराम से दिखाई दे रहा है, 25 डिग्री का वो एंगल होगा, हर एक बच्चा देखे। चलिए शीट जिनको जिनको नहीं मिली है वो खड़े हो जाइए, बहुत लोग हैं तो बैठ जाइए। आप तक आके आज बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को। चलिए शीट बांट दीजिए फटाफट, आप बाबू बैठ जाइए, शीट मिलेगी आपको भी, ठीक है? जिनको चाहिए वो हाथ बस बढ़ाते जाए, शीट मिल जाएगी। चलिए जिसको चाहिए दोबारा मत लीजिएगा, नुकसान होगा इससे उन बच्चों का जिनको, देखिए हम तो गिन के ही शीट मंगाएंगे जितना बैच में बच्चे रहते हैं, ठीक है? अभी शीट बढ़ती रहेगी जब तक क्लास यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब पे क्लास मेरी वजह से है, मेरी कमी है कि यूट्यूब पे क्लास करनी पड़ी, आपका सहयोग मिल रहा है यूट्यूब पे, आप क्लास कर ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चलिए आइए, अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 116। कहिए तो दोबारा एक बार और, बस मेन बात क्या थी, यहां फंस जाते आप, यहां सी डी अगर लेते तो 20 डिग्री यहां से दिखाना पड़ता, ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी ना, इसलिए डी और सी यहां कर लीजिए, ठीक है? इसलिए बच्चों ने इसको पूछा है हमसे। आइए चलिए देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 116। एक त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर, सॉरी एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर, पक्का ही समकोण त्रिभुज है और बीसी उसमें कर्ण है, तभी ऐसा हुआ है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हुआ है। फिर बोल रखा है बीसी बराबर √2 AB, और पूछ लीजिए हॉल नंबर 1 हॉल नंबर 3 में पूछ लीजिए, किसको चाहिए? और किसी को चाहिए यहाँ हॉल नंबर 2 में? हॉल नंबर 2 में और किसी को चाहिए? मिलेगा, आप लोगों को भी मिलेगा हॉल नंबर 1 में, सर्वेश्वर पांडे जी पूछ लीजिए। आइए देखिए, तो त्रिभुज बना लिया बच्चों आपने, नाम क्या है इसका? ABC। अब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, तो ये वाला फिगर बना लेना, ये अच्छा रहेगा। क्यों बच्चों? BC और पक्का ये A 90 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर क्या है? BC का स्क्वायर। अब बोल रखा है BC बराबर √2 AB, अच्छा तो AB की वैल्यू अगर X है तो BC की वैल्यू X रूट
एक्स रूट टू है, यही दिया है। अब देखिए पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आएगा, एक्स आएगा। तो आपसे पूछा गया है ए बी सी कितना होगा, ये कोण कितना होगा। तो जब ये भुजा बराबर ये 90 है ही, तो ये 45 और ये भी 45 हो जाएगा। बहुत आसानी से आपने आंसर दे दिया। हो गया, एक बार और देख लीजिए। आप न्यू स्टूडेंट है ना, कब से आ रही हैं आप, फर्स्ट डे है आपका, तो इसको पूछ रही हैं आप। अब तो सब छूट गया आपका, परेशान मत होइए एकदम। कोई भी नया बच्चा हमारा परेशान नहीं होगा, अब ये बाद में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। ये बच्चा बहुत बुरी तरह से हंस रहा है दांत दिखा दिखा के, वही जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, गैप करता है। खड़े हो जाइए, क्लियर हो गया आपको। चलिए इसको समकोण क्यों हमने बोला, समकोण समकोण क्यों बोला, समकोण त्रिभुज नहीं, नहीं समकोण त्रिभुज क्यों बोला इसको हमने, समकोण क्यों बोला, देखिए इसकी वजह से समकोण बोला गया है। अच्छा इंग्लिश मीडियम है क्या, हाँ पाइथागोरस से दिख रहा है, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, इसका मतलब समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है बैठ जाइए, चलिए पूरी क्लास में खड़े कर देना, किसी को समझिए आदमी हड़बड़ा जाता है, भाई ये जानता था बच्चा ये, चलिए इसका चेहरा बता रहा था इसको पता था, लेकिन हड़बड़ी हो जाती है। चलिए देखिए, तो बच्चों ये हो गया आपका, हो गया ये। अब आपको तो एक चीज ये क्लियर हो गई, अब आपने पूछ ही लिया तो देख लीजिए, ये तो पता है पाइथागोरस थ्योरम आपको, तो आपको पता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज में ही ऐसा होता है। ठीक, समकोण त्रिभुज रहेगा, ये बीसी ही कर्ण होगा, ये भी क्लियर है, यही तो कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा यही बीसी होगी, और इसके सामने ये 90 हो जाएगा। बोला गया है कि बीसी बराबर रूट टू ए बी, तो अगर ए बी की वैल्यू एक्स है तो इसकी वैल्यू रूट टू एक्स या एक्स रूट टू होगी, तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस से ही, इसी में रखिए, एक्स आएगा पाइथागोरस से ही आएगा। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, या अकेले 90 है तो इन दो कोणों का भी योग 90 होगा, तो ये आधा आधा 45-45 हो जाएंगे। सही है, आ रहा है सबको समझ में। चलिए अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, तो डिफरेंट देता तो कुछ, एक मिनट, उसके कुछ इसके लिए तो रूट थ्री टाइप का कैसे सेट होगा, कौन सा, हाँ वो देखिए, अगर दूसरा रिलेशन होता तो ये क्या होता, ज्यादा से ज्यादा ये एक्स होता तो ये क्या होता आपका 2x होता, तो ये एक्स रूट थ्री होता तो यहाँ 30 आता, ये आपका एक्स रूट थ्री होता तो ये आपका 2x होता, ये x होता तो ये 60 आता। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप बोल सकते हैं। ठीक, ये तो सेट था आपका। चलिए आइए, अब इसके बाद 1-1-7, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AC और AD खींची गई हैं। उस वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और OA बराबर 12 सेंटीमीटर है, जबकि O उस वृत्त का केंद्र है। चतुर्भुज ACOD का क्षेत्रफल क्या होगा, लीजिए सीधे होगा आंसर, एक बार में आएगा, देखिए ये क्या है, ए है ना, ए सी और ए डी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, डी है, सॉरी डी, ये ओ हो गया, सेंटर हो गया, ओ ए बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर। देखिएगा त्रिज्या कितनी है, यहां से मिला देंगे तो ये त्रिज्या बनेगी। अब पूछा गया है ए सी ओ डी का क्षेत्रफल, ये पूरा बच्चों ये भी 90 हो जाएगा। देखिएगा ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसका एरिया निकाल कर अगर दुगना कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सही है, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, इसका एरिया निकाल कर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे का एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया कैसे आएगा, पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, 1/2 बेस इंटू हाइट से आएगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में
ये लंबवत भुजाएं ही ऊंचाई और आधार का काम करती हैं, इसका रोल नहीं है। अगर आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो इन्हीं दोनों का रोल है। अगर ये आधार तो ये ऊंचाई और ये आधार तो ये ऊंचाई, किसी को भी आधार ऊंचाई बोल सकते हैं। तो हमको ये लंबवत भुजाएं चाहिए, तो ये 6 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 6√3 आएगा। सही है, आ रहा है। अब लिखेंगे ए सी ओ डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज कर लीजिए, ए सी ओ डी का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 × त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल। सही है, 2 × त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल क्या होगा बताइएगा? 1/2 आधार गुड़े ऊंचाई, सबको पता है 6√3 कर लीजिए, कितना आएगा बताइए? 2 से 2 कट गया, 30 cm². ये आंसर हो जाएगा आपका, हर एक बच्चा देखे। ओरल किया जा सकता है इसका आंसर, बस ये और ये पता रहे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इन दोनों का ही गुणनफल होता है, ये और ये पता रहे, ये लंबवत भुजाएं, इन दोनों का गुणनफल ही पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। डायरेक्ट आंसर देंगे आप, समझ में आ रहा है? चलिए, क्लियर हो गया बच्चों? बताइएगा, आ रहा है समझ में? है कोई डाउट बच्चों आपको? चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है 118। ये मेरा प्रश्न आप लोगों से है, किसी समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां होता है भाई? कर्ण के मध्य बिंदु पर। वेरी गुड, हो जाएगा, गुड। आइए 119 नंबर के क्वेश्चन पे, 119। ए बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर 3 बिंदु हैं। स्पर्श रेखा सी बी ए को टी तक बढ़ाए जाने पर मिलती है। यदि ए टी सी 30 °, ए सी टी 48, तो ए ओ बी का मान क्या होगा? आइए फिगर बनाते हैं, हर एक बच्चा देखे। ये एक सर्कल बना लीजिए, हर एक बच्चा देखेगा। ए बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर 3 बिंदु हैं। बोला गया है स्पर्श रेखा सी बी को टी ए तक, बी ए को टी ए तक, ये यहां से सी लीजिए, ये सी यहां से लीजिए और ऐसे बनाएंगे फिगर तो बहुत अच्छा बनेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये 3 बिंदु भी वृत्त पे हो गए और ये क्या हो गई? सी से स्पर्श रेखा। यहां थोड़ा सा करेक्शन है, 3 बिंदु है स्पर्श रेखा सी से, ऐसे लिखिए सी, सी पर स्पर्श रेखा, करेक्शन कर लीजिए, सी पर स्पर्श रेखा बी ए को टी तक बढ़ाए जाने पर मिलती है। ठीक, सी पर यह स्पर्श रेखा है, बी ए आपका है, ठीक बी ए है, तो ये बी और ये ए, ठीक ए बी ये सी हो गया। ये देखिए क्रम भी चल रहा है, ए बी और ये सी हो गया। बी ए को टी तक बढ़ाए जाने पर मिलती है, ये टी तक, ठीक। यदि ए टी सी बराबर 30 °, ए टी सी कितने डिग्री है? 30 °, और ए सी टी 48, ए सी टी 48 है, तो आपसे पूछा गया है ए ओ बी का मान। ये आपको बताना है बच्चों, हर एक बच्चा देखेगा, मैं इसको यहां से मिला देता हूं, सही है? आप सुनिएगा, ये बच्चों 48 है तो डायरेक्ट ये 48 नहीं हो सकता, क्यों? ये 48 तो ये 48 क्यों? एकदम गलत,
जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वित्त खंड में बने कोण के बराबर होता है, सही है। ये 48 तो ये 48 और ये 48 ये 30 तो ये 78। रुके रहिएगा अनिल से, नहीं भाई आप बताइए, हाँ ऐसा क्यों? हाँ वाह कोण सुदूर अंतर कोण के योग के बराबर होता है। अब ये बच्चों हमारा 78 हो गया, ये 48 हो गया, तो ये 180 में से घटेगा ना, 180 में से 48 और 78 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 54, 54, तो ये 54 हुआ, तो ये क्या होगा 108 डिग्री, यही आपका आंसर है, 108 डिग्री यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। ये 48 कैसे हुआ, देखिए होता क्या है, जैसे देखिए ये कोई एक टेंजेंट है, ठीक, ये कोई एक कॉर्ड है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बना एंगल मान लिया थीटा है, तो ये सेगमेंट हुआ तो ये अल्टरनेट सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। एक सेगमेंट छोड़कर अगर इस सेगमेंट की बात करेंगे तो ये एकांतर वित्त खंड कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर बना कोण क्या हो गया, ये हो गया। तो बच्चों अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होता है थीटा, तो क्या इसका थियरम है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बना एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के इक्वल होता है। तो ये कॉर्ड हो गया और ये टेंजेंट हो गया, इसके बीच में जो एंगल बना है वो थीटा है, और ये जो थीटा है अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल यहां पर जो कोण बना है इसके बराबर होगा, तो ये भी थीटा होगा आपका, समझ में आ रहा, वही चीज यहां लगी है। ये देखिए कॉर्ड हो गया ना, ये टेंजेंट, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच 48 डिग्री का एंगल बना है, आपने इसको ऐसे मिला दिया यहां से, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट में बना एंगल हो गया, तो ये 48 तो ये भी 48 होगा, सही है, आ रहा है समझ में, है कोई डाउट तो बताइए, क्लियर है ना ये चीज, बताइए बच्चों कोई डाउट। अब देखिए ये 78 आपको पता ही है, 48 तो ये कितना 54, है कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद आ जाइएगा अगले क्वेश्चन में, ये तो ना करवाऊं, 120 डू योरसेल्फ में डाल दें बच्चों, शीट वन टाइप का क्वेश्चन है, ओरल बता दीजिए आप लोग हमको, हम आगे बढ़ जाएं। 120 डू योरसेल्फ बताइए क्या है, सब पेपर के एसएससी सीजीएल टीयर वन टीयर टू सीएचएसएल सीपीओ के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, और सीडीएस के कैट के भी आगे क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखिए, ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज हैं, निम्न में से किस स्थिति के अंतर्गत दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसमता के लिए 5 टेस्टिंग मैंने बताया है, तो क्या बताइए, ए बी बराबर, पहले तो बी कैंसिल ही हो गया, कोण 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 बराबर होने पर थोड़ी सर्वांगसम होता है, बी को तो चेक ही नहीं करेंगे, ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और एंगल सी बराबर एंगल एफ बोला, क्या ये सही है, कंफ्यूजन होने लगे तो फिगर बना लीजिए, चलिए मैं ही कर देता हूं, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ, पहले मैं बोला है कि ए बराबर किसके डी के, फिर बोला है बी बराबर किसके ई के, फिर बोला है सॉरी एडी बराबर डी के है, कौन सा ऑप्शन होने लगा था, एडी बराबर ए बी बराबर ए बी बराबर डी के, ठीक, और बी सी बराबर ई एफ के, और सी बराबर होगा ये नहीं लगेगा, ये अगर ये होता ना काम हो जाता, कहीं है ऐसा कुछ ऑप्शन में, किसमें है, अच्छा सी वाले में क्या दिखाई दे रहा है, बी और ई बराबर है, फिर सी और एफ भी बराबर है, और बी सी बराबर क्या है ई एफ, यही आंसर क्या है, सी वाला सही, अगर हम पहले सी पे टटोल के पहुंचे होते ऑप्शन तो जल्दी से आंसर बोल देते, क्योंकि साफ यहां दिख रहा है सी वाला ही क्या है सही है, फिगर बनाने की फिर जरूरत ना होती, समझ रहे हैं, वो तो मैंने समझाने के लिए फिगर बना दिया, लेकिन सी वाला डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं आप, बी ई के बराबर सी एफ के बराबर और बी सी बराबर किसके ई एफ के हो गया, ठीक। अब चलिए 121,
आप लोगों से लगवाऊंगा 121 में, लगाइए 121। चलिए आइए देखिए, यदि एक सीधी रेखा L एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से थीटा कोण, जहां थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, बनाती है, तो L के लंबवत सीधी रेखा L1 के द्वारा वाई एक्सिस के साथ बनाया गया कोण क्या होगा। देखिए पहले तो एक्सिस समझ लीजिए, दो रेखाएं लंबवत एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये हो जाता है एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक सीधी रेखा L है, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाने का मतलब बच्चे ये ऐसे थीटा बनना। आप कहेंगे सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चला गया। नहीं, मुंह अगर इधर की ओर रहेगा राइट डायरेक्शन में एंगल का, तो क्या बोला जाएगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में एंगल बना हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। धन एक्स अक्ष की दिशा के साथ कोण बनने का मतलब क्या है, जो थीटा है उसका मुंह किधर घुमा हुआ होना चाहिए, मतलब जो कोण होना चाहिए वो सामने किधर राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये कोण किधर है, राइट डायरेक्शन में, और ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिए। तो ये वाला कोण जो है वो धन एक्स अक्ष की दिशा के साथ बना हुआ कोण है। कई लोग सोचेंगे नहीं नहीं सर ऐसे बनाइए, ये कोण है, ये भी है, ये भी एक्स अक्ष की दिशा के साथ बना हुआ कोण है। अब इसको बोल दें तो ये नहीं है एक्स अक्ष की दिशा के साथ बना हुआ कोण, इधर मुंह घुमा रहे राइट डायरेक्शन में, तो वही धन एक्स अक्ष की दिशा के साथ बना हुआ कोण होता है। ठीक है, एक्स अक्ष दिशा यही है धनात्मक वाली, धनात्मक वाली यही है, राइट डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट में तो निगेटिव हो जाएगा, राइट में क्या होता है पॉजिटिव, तो इधर चलेंगे तभी तो प्लस मिलता है, पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस। तो भले यहां पर प्लस वाले फिगर रहते हैं लेकिन फिर भी डायरेक्शन इधर किधर है, माइनस की ओर है, और इधर डायरेक्शन प्लस की ओर है। तो धन एक्स अक्ष की दिशा के साथ बने हुए कोण का फिगर आपको समझ में आ गया होगा, किधर मुंह रहेगा कोण का वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थीटा कोण बनाया गया है, बोला गया है आपके क्वेश्चन में, फिर क्या है बनाती है, और थीटा लेस देन ग्रेटर देन 90 है। अच्छा, ग्रेटर देन 90, ये थीटा है बेटा, हमने देखा ही नहीं, वो लाइन पढ़ा ही नहीं था मैंने, अब पढ़ा है। थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो ये फिगर बनेगा, ये कोण होगा, मुंह किधर है राइट डायरेक्शन में, तो ये आपका एल है, क्या है ये एल, ये फिगर होगा। फिर बोला है एल के लंबवत एक सीधी रेखा एल वन के द्वारा वाई एक्सिस के साथ बना हुआ कोण चाहिए आपको, ध्यान से देखिएगा, एल के लंबवत ये एल है और L के लंबवत क्या खींचा है आपने, L1 खींचा है, तो ये कोण आपसे पूछा गया, बताइए कोण कितना होगा। ये कोण नॉर्मल है, बता सकते हैं बड़े आराम से, सुनिए ये 90, तो बेटा ये भी तो अपना 90 ही है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या होगा बताइए, हाँ 180 माइनस थीटा, सही है, पाई में आंसर दिया है क्या, अच्छा पाई में दिया है, पाई माइनस थीटा ये आंसर है, यस, जाइए जाइए जाइए। सर्वेश्वर जी थोड़ा बहुत आप भी सीख लीजिए, जैसे मान लिया क्लास वगैरह थोड़ी डिस्टर्ब हो तो उसको मैनेज कर लें, समझ में नहीं आया होगा, कितने लोगों को नहीं आया, हाथ उठाइएगा, काफी सारे, आप तो न्यू स्टूडेंट हैं, परेशान मत होइए, आप केवल उस पर फोकस्ड होइए, क्या कहते हैं जो भी नए बच्चे हैं वो केवल प्रॉफिट लॉस पे फोकस्ड होइए, क्यों, क्योंकि वो कवर हो जाएगा, यूट्यूब पे भी सारी क्लास पड़ी है, वहां से देख देख के स्टार्टिंग से कवर कर लीजिए, ज्योमेट्री के लिए परेशान मत होइए, कोई भी नया बच्चा ज्योमेट्री के लिए परेशान नहीं होगा, हाँ बैठते रहिए थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिलेगा ही। एक्स अक्ष वाई अक्ष समझते हैं आप लोग, नहीं समझते तो समझ लीजिए, दो रेखाएं लंबवत खींच लीजिए 90 डिग्री पे रहती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, जो आपकी क्षैतिज रेखा है इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको बोलेंगे वाई अक्ष, वाई एक्सिस। ठीक, एक रेखा है वो है एल, कैपिटल एल, एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ
थीटा कोण बना रही है और थीटा बड़ा है 90 से, तो एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ कोण कैसे बनेगा ये, चूंकि इसको आपको बड़ा भी रखना है 90 से, यानी कि अधिक कोण फॉर्मेट में जाएगा, सही है। तो इस तरीके से फिगर हमने ले लिया, अधिक कोण ही पैटर्न पे तो जाएगा और तो कोई कोण होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ ही कोण बनाना है। इसी एक्स एक्स अक्ष के साथ ये रेखा जो एल है ये थीटा कोण बना रही है धन एक्स अक्ष की दिशा में। धन एक्स अक्ष की दिशा क्या होती है, इधर वाला सब पॉजिटिव होता है, इधर वाला क्या होता है सब नेगेटिव होता है, ठीक। तो इधर की ओर मुंह करके कोई कोण बना हुआ है तो वो धन एक्स अक्ष की दिशा के साथ बना हुआ कोण होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आपका फॉर्म्ड एंगल होगा। फिर गया, ठीक है, लाइट फिर से गई। अच्छा, उस समय जनरेटर चालू हुआ था, नहीं हुआ, अपने आप लाइट आई है। चलिए चालू करवाता हूं मैं अभी। ऊपर वाली कोचिंग चल रही है कि अभी बंद है, इसलिए तो 1 फरवरी से खुलेगी। ठीक है, इसलिए थोड़ी जनरेटर की प्रॉब्लम हो जा रही है। सर्विस प्रोवाइडर हमारे करियर कोचिंग वाले ही तो हैं। सिविल लाइन्स में लेकिन ये है, महंगा पड़ता है बच्चों, कॉस्टिंग बहुत आती है, लेकिन एक तनाव नहीं रहता। कम से कम चोरों की तरह खोलना बंद करने वाला कोचिंग वाला सिस्टम नहीं रहता, आराम से पढ़ाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यही कटरा वटरा होता, इधर उधर फलोरी बघाड़ा, हमेशा तलवार लटकी रहती है, कब छापा पड़े कब छापा पड़े। अब थोड़ी मजबूरी है, यहाँ फीस भी ज्यादा रखनी पड़ती है, कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा। यही कटरा में कोचिंग होती तो 8,000 में पढ़ाते हैं। फीस आपको ज्यादा लगती है कि नहीं मेरी? लेकिन बच्चों ये भी तो सोचिए, 1 साल पढ़ाता हूं मैं आपको लगातार, और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरीके से इतनी प्रैक्टिस होती है, इतने ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कराए जाते हैं कहीं। तो जब आप पढ़ लेंगे ना ईमानदारी से, लापरवाही से नहीं, पता चला कोई रेगुलर आ रहा है कोई इरेगुलर आ रहा है, तो उसके लिए कोई फायदा थोड़ी होगा क्लास, फिर मेरी क्लास नुकसान ही करेगी उसको, क्योंकि समझ नहीं पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो रेगुलर बच्चे आते हैं उनको बहुत फायदा रहता है और वो सेलेक्ट होकर चले भी जाते हैं, तो रेगुलर होना बहुत जरूरी है। आइए चलिए देखिए, तो ये हो गया। अब देखिए, तो ये हो गया थीटा, धन एक्स अक्ष की दिशा के साथ बना हुआ कोण हो गया। अब उसके बाद एक रेखा L1 भी है जो इस L के साथ क्या कर रही है, 90 डिग्री के कोण पर इससे जुड़ रही है, तो ये हो गया इसका 90 डिग्री का एंगल। ठीक, तो पूछा गया ये रेखा जो L1 है, स्मॉल L1 है क्या, कैपिटल L1, L1 जो Y एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगी, यही कोण लेना है, पॉजिटिव ऊपर की ओर लेना, इधर का नहीं लेना, यही Y एक्सिस वाला लेना है। ठीक, ये वाला कोण। तो बताइए ये जो कोण बनेगा वो कितना होगा, बड़े नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप चाहें तो, ये कोण निकाल लें उसके बाद ये 90 बोल के इसको 90 में से घटा के भी बोल सकते हैं। ये आपका थीटा तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, फिर ये निकल आएगा, फिर ये निकल आएगा। ये डायरेक्ट बोलना है तो ये 90 तो ये भी 90, एक चतुर्भुज बना, ये थीटा तो ये भी थीटा। आप जानते हैं कि चतुर्भुज में दो कोणों का योग अगर 180 है तो बाकी बचे दो कोणों का योग भी 180 होगा। तो अगर ये कोण थीटा है तो पक्का ये 180 माइनस थीटा होगा, यानी कि 180 का रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, पाई। 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं, तो क्या कर देंगे, पाई माइनस थीटा कर देंगे। सही है, ये आपका आंसर है। हो गया, देखिए 123 नंबर का क्वेश्चन है, 123। सभी बच्चे जिम्मेदारी से देखें, एक सौ बाईस तो डू योर सेल्फ में हम बोलने वाले थे, डू योर सेल्फ 122 लगाइए भाई। अनिल, हाँ 90 डिग्री आ रहा है, तो क्या होगा, बीओसी दे रखा है 45, यही है ना फिगर, कर दें क्या, लीजिए कर ही देते हैं। ए बी सी, एंगल कितना है 45।
आप जानते हैं एंगल बी ओ सी बराबर क्या होता है, 90 माइनस ए बाई टू, ठीक, ये 45 हो गया इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाई टू, एंगल ए बराबर क्या आ रहा है, सही है, क्लियर है सारे बच्चों को, 90 डिग्री आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए 120। कई लोग इसी को नोट कर रहे हैं, क्या जरूरत है नोट करने की, जानते नहीं है क्या इसको आप लोग, हो जाएगा ये क्वेश्चन, आइए लगा के ये सब तो आया करिए आप लोग घर से। वन ट्वेंटी थ्री, एक गैर वर्ग समचतुर्भुज ए बी सी डी के कोणों एंगल ए तथा एंगल बी का अनुपात 4:5 है, एंगल सी की माप, गैर वर्ग समचतुर्भुज, समचतुर्भुज तो गैर वर्ग ही होगा ना, समचतुर्भुज रोम्बस क्या है, उसके जो साइड्स के बीच में एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते, तो गैर वर्ग तो हो ही गया, तो एक रोम्बस की बात कर रहा है, ए बी सी डी ए वाला फिगर मैंने बना लिया, तो एंगल ए और एंगल बी का अनुपात 4:5 है, तो ये 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा, क्लियर है, तो पूछा गया है एंगल ए और बी दिया है, अच्छा ये 4x और ये 5x हो गया, पूछा गया सी की माप, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये 5x तो ये भी 5x, ये 4x तो ये भी 4x, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, चूंकि इन दोनों का योग या इन दोनों का योग या इन दोनों का योग किसके बराबर, 180 के बराबर, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं लगेगी, सहंतक कोणों का योग 180 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, देन x इक्वल टू 20, सी पूछा है, सी का मतलब ये आंसर है, ये वाला फिगर मैंने बना दिया था, कोई प्रॉब्लम, आ रहा है सबको समझ में, सतीश दुबे आंसर कर भी रहे हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री में, हाँ 3-4 क्वेश्चन और कराने हैं, करा देंगे, अखिल यादव और ऊपर तक कमेंट दिखाइए मुझे बच्चों के, और दोबारा बता दीजिए, ठीक है आगे, थीटा इज ग्रेटर देन 90 बच्चा बोल रहा है, मॉर्निंग वाले बैच में कोऑर्डिनेट कब से चलेगा, टाइम है चलेगा जल्दी, अब खत्म होने वाली है अलजेब्रा, चलिए चलिए, दीक्षा पांडे जो सर जो स्टूडेंट ऑफलाइन से लीव उलन में ट्रांसफर, उनकी वैलिडिटी इंक्रीज कर दीजिए प्लीज, क्योंकि लीव उलन पर नेट कंजेशन बहुत रहता है, जितना छूटा है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा 3 मंथ में, हाँ बढ़ा देंगे 3 महीने से ज्यादा वैलिडिटी करा देंगे, जिन बच्चों ने ऑनलाइन एडमिशन लिया है उनकी वैलिडिटी 2 महीने और इंक्रीज की जाएगी, इस पर बात चल रही है, ठीक है, चूंकि अब लीव उलन के भी सारे डिसीजन मुझे ही लेने हैं, ठीक है, मतलब मुझे और जो लीव उलन वाले अनुराग सर हैं उनको, क्योंकि हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं इस समय, तो अब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी सारे डिसीजन हम ले सकते हैं, तो जिसको बढ़ाना है, जिसको प्री बैच देना है, जिसको कुछ भी करना है सब हम कर सकते हैं, चलिए सर स्क्वायर का विकर्ण मानकर कर सकते हैं, अच्छा चलिए ठीक है, और अर्जुन सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं कटरा ब्रांच में एडमिशन ले लिया हूँ, ले लिए तो बहुत अच्छा है, और मेरा दोस्त आपकी फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहता है चलिए उसको ट्रांसफर चाहिए बच्चे को, नहीं अर्जुन पढ़िए कटरा में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है पढ़िए बढ़िया, दीपक सर पढ़ा ही रहे हैं, आइए देखिए 124, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर एक सरल रेखा एबी तथा एसी को क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एपी बराबर क्यूसी, पीबी बराबर 4 यूनिट, एक्यू बराबर 9 यूनिट, तो एपी की लंबाई हो जाएगा, सिंपल है, सिमिलरिटी है, डू योरसेल्फ में डाल दें, बताइए आंसर कितना, 6 ओरल हो गया है ना, गुड, कर दूं क्या, कर ही देते हैं आप देख लीजिए, कितने लोगों का आ गया आंसर, और लोग ट्राई करें, 124 छोड़ रहा हूं मैं, जो साइड इक्वल होगा उसको एक्स और एक्स ले लीजिएगा, थेल्स लगा लीजिएगा, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग कुछ आ जाएगा 36 आ जाएगा, देन एक्स इक्वल टू क्या
सिक्स आ जाएगा, हो जाएगा। डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं, डू योर सेल्फ, चलिए हो गया बच्चों। अब आ जाइए 125 पे। आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, एबीसी 60, एसीबी 50, बीआईसी निकाल लेंगे। तो यही तो प्रॉपर्टी है, आई मतलब अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र बनता है कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु से, तो वही पैटर्न है, एंगल बीओसी बराबर 90 प्लस एंगल ए बाय 2, वही वाला पैटर्न है, कर लेंगे। चलिए डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं। अब आइए 126, 126 देखिए। ए बी सी डी एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, चक्रीय समलंब है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज की अगर बात करता है तो वृत्त अवश्य बना लीजिए, वृत्त बना लेंगे फायदा रहेगा, जिसमें ए डी पैरेलल टू बी सी है। यदि एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री तो बी सी डी की माप। आइए सर्कल तो बना ही लेते हैं, फायदा रहेगा सर्कल बनाने से। तो ठीक, ये इसके पैरेलल हो ही जाएगा, ए डी पैरेलल टू बी सी बोला है, ए बी सी और ये डी, ये पैरेलल हो गया। ए बी सी 70 है, 70 डिग्री है, बी सी डी आपसे पूछा गया है, बी सी डी ये पूछा गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ये 70 तो ये 110, क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने के कोणों का योग 180। अब ये 110 तो ये 70, ऐसा क्यों बताइए? ये है आपका संगत कोण, नहीं बेटा सहंता, कोणों का योग 180, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, सही है। और याद रखिएगा, कभी भी कोई अगर आपका क्या कहते हैं समलंब चतुर्भुज साइक्लिक है, ध्यान से देखिए साइक्लिक है, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर, और ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बन जाता है, आइसोसेलिस ट्रेपेजियम बनता है, जिसमें ये भुजा बराबर हो जाएगी, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप निकाल कर बोलें तो ठीक है, अच्छी बात है, हो गया। ये 126 के बाद आइए 127, नहीं करवाऊंगा। ओ केंद्र वाले वृत्त में दो बिंदु ए तथा बी परस्पर रेखाएं पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि चतुर्भुज पी ए ओ बी में ए ओ बी और ए पी बी 5:1, तो ए पी बी की वैल्यू चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, फिगर बना के देखिएगा, क्योंकि वो 90 वो 90, तो 180 उधर हो गया, तो इधर सेंटर पे और बाह्य बिंदु पे जो कोण बनता है उसका भी योग क्या होगा, 180 होता है, फिगर बनाइएगा, होगा। कितने लोगों ने कर रखा है, गुड, और लोग ट्राई करें, होगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलिए हो जाएगा 127, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, लेकिन सिंपल है, करना चाहिए आप लोगों को, करिए अभी, कर लीजिए, डू योर सेल्फ अभी कर लीजिए, देखिए फिगर बना के कर पा रहे हैं कि नहीं, अभी कर लीजिए, हो चुका, करिए फटाफट करिए आप लोग। सर्वेश्वर जी क्लास में रहिएगा आप, और इरशाद भी है ना, जो बच्चे रुकेंगे उनको फटाफट क्वेश्चन बता दीजिएगा, ठीक है आप लोग। कितना आया, 30 आ गया, कितने लोगों का, काफी सारे लोगों का आ गया, और लोग लगा रहे हैं, लगा लेने दीजिए, देखें क्या क्षमता है, कितना लगा पाते हैं आप लोग। आपने करा है, आप लोगों ने कर लिया, सही है। चलिए आइए
127 कौन चाहता है कि बता दें 127? आप तो रेगुलर रहती हैं, स्टूडेंट हैं आप तो रेगुलर आती हैं। देखिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी आपको, लेकिन जब हो गया तो देख लीजिए, वो सेंटर है इसका और दो बिंदु ए और बी हैं वृत्त पर, और यहां से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं पी पर, प्रतिच्छेद करी हैं पी ए ओ बी में। ये और ये इन दोनों का रेशियो दिया है, ये 5 तो ये 1, तो इसको 5x, तो इसको x बोल सकते हैं, ये 90 होगा ये 90। अब बताइए हाँ दोनों का योग 180 कर लीजिए, कितना 180, देन x इक्वल टू 30, तो ये आ जाएगा 150 और ये 30। पूछा क्या है हमसे, 30 वाला पूछा, ठीक है आ गया, हो जाएगा। चलिए 128 128, यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उस वृत्त में उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बताइए। तो इधर 15, 8 तो वो 17, इधर 8, 15, 8, 17 तो वो 15, तो 15 दुना 30, आंसर क्या आ जाएगा 30। ओरल आंसर कर सकते हैं, पेन उठाना नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कैसे किया है हमने। ये है पंद्रह सेंटीमीटर जीवा से दूरी है, तो बता दीजिए त्रिज्या क्या होगी, ये पूरा 16 था तो ये 8 8 हो जाएगा, तो ये कितना 17। उस जीवा की माप बतानी है आपको जो केंद्र से कितनी दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये क्या होगा 17 तो रहेगा ही, 17 8 तो ये 15, ये 15 तो ये 15, 15 15 30, आया समझ में। अभीष्ट जीवा, अभीष्ट जीवा यानी कि रिक्वायर्ड कॉर्ड क्या होगा 15 15 30, लीजिए हो गया। आइए 129 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 129। हर एक बच्चा देखे अच्छे से, आ रहा है कि नहीं सबको, अब आइए 129। किसी त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं एडी तथा बीई समकोण बनाते हुए जी पर काटती हैं, तदनुसार यदि एडी बराबर 9 सेंटीमीटर बीई बराबर 6 सेंटीमीटर तो बीडी का मान, सॉरी ए है बी है ये सी है, दो माध्यिकाएं हैं कौन कौन सी हैं, एडी और बी है, ये बी और क्या हो गई ये एडी, समकोण बनाते हुए एक दूसरे को काटी है, यानी कितने डिग्री पे काट रही हैं 90। अब भले यहां बनता हुआ नहीं दिख रहा लेकिन बोलिए 90 है, ठीक है रफ फिगर है ना ये 90 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक बोल रखा है कि एडी बराबर 9, अगर बेटा ये पूरा एडी 9 है तो ये 6 और ये 3 होगा, चूंकि ये केंद्रक भी तो है, जीवाएं जहां काटी हैं वो केंद्रक भी तो होता है, तो ये 6 तो ये 3, अब इसके बाद बी 6 है तो ये 4 तो ये 2 हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में बांट रहा हूं। तो अब आपसे बीडी पूछा है ना, बीडी पूछा है तो ये 4 3 ये 90 है, तो क्या ये 5 सेंटीमीटर आएगा, आप बता दीजिए आ रहा है कि नहीं, है किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए आ रहा है कि नहीं, आ ही रहा है, हो गया। चलिए आगे देखिए,
दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करते हैं और पी क्यू एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। जो जो क्या जो वृत्तों को क्रमशः पी तथा क्यू पर स्पर्श करती है। पी ए क्यू कितना होगा? 90। कर चुके हैं ना ये क्वेश्चन, शीट वन में ही हो चुका है। डू योर सेल्फ कर लेंगे। चलिए अब देखिए 131 समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए कल समझाऊं तो ज्यादा अच्छा है, आज ही बता दें। देख लीजिए 131। मैं सोचा था अगला क्वेश्चन करवा दूंगा लेकिन बच्ची ने कहा आज ही बताई। देखिए सवाल मैं पढ़ देता हूं। देखिए जीवा सी डी एक वृत्त के व्यास ए बी को बिंदु पी पर समकोण पर 1:2 के अनुपात में प्रतिच्छेद करता है। यदि वृत्त का व्यास डी है तो सी डी किसके बराबर है? देखिए पूरा पूरा ये व्यास है, ये जीवा क्या हो गई आपकी? सी डी हो गई। ए बी क्या हो गया? ये सेंटर हो गया बेटा, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको बोल देते हैं पूरा पूरा ये क्या है, ये एक है तो ये दो है, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया? तीन। ठीक, हमें चाहिए सी डी की वैल्यू, तो यहां पर ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको पी बोल दें। बच्चों देखिए हम इसमें क्या करते हैं, ये तो हमको पता ही है कि डी बाई टू होगा, सही है। बस अगर हमको ये पता चल जाए कि ये कितना है तो पाइथागोरस लगाकर हम सी पी निकाल लेंगे। सहमत है? आ रहा है सबको समझ में? यही तो फिगर था कि एक जीवा सी डी है, व्यास ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो अगर इतना पार्ट वन है तो ये पूरा पार्ट टू होगा। जाहिर सी बात है कि ये सेंटर से इधर और इधर पूरा पार्ट क्या होगा? टू होगा। ये छोटा है आपका, 1:2 के पार्ट में बांटना, मतलब पूरा व्यास अगर तीन है तो ये पार्ट आपका एक होगा और ये पार्ट आपका दो होगा। बराबर होता तो डेढ़ डेढ़ होता, त्रिज्या डेढ़ और ये भी डेढ़। हम तीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक और ये पार्ट दो हो रहा है, तो दो एक तीन मिला के हमने बोल दिया कि पूरा व्यास क्या है? तीन है। समझ में आया? अगर हमको बस इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये एक है समझिए, ये दो है बताइए, तो ये कितना होगा? 1.5 होगा, श्योर है? क्योंकि पूरा तीन तो ये कितना होगा? 1.5। तो ये क्या हुआ? 0.5 हुआ कि नहीं? हम ये भी देख रहे हैं कि तीन की वैल्यू रियल में किसके बराबर है? डी के। तीन की वैल्यू किसके बराबर है? डी के। तो आप बताइएगा एक की वैल्यू किसके बराबर? डी बाई 3 के, सही है? तो 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1/2 किसके बराबर? d बाई 6 के। हो गया, ये हमको निकालना था, यही d के पदों में जो 0.5 है इसकी वैल्यू हमको d के पदों में निकालना था। ये कितना हुआ d के पदों में बताइए, बोलिए 0.5। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते थे, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका पूरा तीन तो ये 3/2, समझिए। हाँ देंगे, डी पे ही देंगे, ये 3/2 हो गया। तो हम सीपी निकाल लें किससे? पाइथागोरस से। सीपी निकालेंगे पाइथागोरस से तो आएगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या 1/2 का स्क्वायर। सीपी बराबर क्या आ जाएगा बताएंगे? ये आ जाएगा 9/4 -1/2। कितना आ गया? 2√2। अच्छा 1/4। हाँ एक मिनट, 1/4 कहाँ? अच्छा सॉरी 1/4, हाँ ठीक। तो कितना आया रूट आया कि नहीं? √2। तो बच्चों हम आपसे चाहते हैं कि बताइए सी डी क्या होगा? 2√2 होगा। सहमत है? अब आप हमको ये बता दीजिए वैल्यू के हिसाब से, रेशियो वाली वैल्यू के हिसाब से सीपी की वैल्यू क्या हो गई? √2। तो पूरा सी डी इसका दुगना होगा, होगा कि नहीं? होगा। क्यों बच्चों? ये हाफ हाफ पार्ट में बटेगा, ये अगर √2 आ रहा है तो ये भी √2। सारा काम ओरल कर सकते हैं ये। तो क्या 3 3 इज इक्वल टू डी के नहीं है? है?
वन इज इक्वल टू डी बाई थ्री के नहीं होगा, तो टू रूट टू किसके बराबर होगा, टू रूट टू डी बाई थ्री। ये आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, एग्जैक्टली यही मैच कर रहा है, हमें लगा सिक्स में आ रहा है आंसर, ठीक है यही आंसर है आपका, ऐसे कर लिया, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा था। ठीक आया समझ में आपको? देखिए हमें चाहिए सी डी की वैल्यू, तो सी डी की वैल्यू तो डी के ही पद में चाहिए, कंफर्म है हम, व्यास इसका केवल डी दे रखा है, स्मॉल डी। अब देखिए इस सी डी ने इसको 1:2 के रेशियो में बांटा है, तो हम बोल देते हैं पूरा व्यास 3, हमें चाहिए सी डी, तो पहले यहां पी मार्क कर लीजिए, सीपी निकालिए, तो यहां से इसको मिलाएंगे सेंटर से ओ से, तो ये 3/2 हो जाएगा। अगर हमको ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम सीपी निकाल लेंगे बड़े आराम से पाइथागोरस लगा के, तो हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक पूरा 2 है और ये 1.5 है, तो ये आधा होगा, होगा आधा घटाकर होगा हाफ, तो ये 1/2 हो गया, ये 3/2 पाइथागोरस लगेगा, कितना आएगा √2 आया, तो बच्चों अगर ये √2 तो ये भी √2, हाफ हाफ में बटेगा, तो ये पूरा कितना हो गया 2√2 हो गया। हम जानते हैं कि 3 की वैल्यू क्या है, डी है ना, रियल में 3 की वैल्यू डी, व्यास डी डी के बराबर दिया हुआ है, तो 2√2 किसके बराबर, 2√2 डी बाई 3 के, ये आंसर है आपका। नहीं समझे, आ गया सबको समझ में, कल फिर कराने की आवश्यकता है क्या? चलिए शीट किसकी है, मिलते हैं बच्चों हम लोग कल, आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था मेरा, बच्चियां पहले जाइए।